तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है, इसका भाई जो यूथ लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसका आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा कोल्हापुर तड़ोबा टाइगर्स वर्सेज रायगढ़ मराठा मारवल्स के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और भाई यहाँ पर अगर बात करें तो जो दो टीम है ना, ये दो ऐसी टीम है जो भाई बिल्कुल टक्कर का मैच देंगी, क्योंकि भाई वो बोलते हैं ना टू डाल डाल में पात पात, भाई वही सीन है। एक टीम ने भी छह मैच खेले, दूसरी ने भी छह मैच खेले, एक टीम ने भी छह मैच में से तीन मैच जीते और दूसरी टीम ने भी छह मैच में से तीन मैच जीते, तो बिल्कुल ही टक्कर का मैच ही आपके लिए होने वाला है। वीडियो पर अगर आ गए और अगर आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो भाई आपको कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर भाई आपको दो बड़े कॉन्ट्रेस्ट दिख रहे हैं। कौन से भाई? यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तो भाई 20 लाख का जीएल और दूसरा भाई दिख रहा है 2 लाख का मिनी जीएल। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कब? लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद। तो लाइनअप्स अनाउंस होने का वेट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर जैसे ही लाइनअप्स अनाउंस होंगी ना तुरंत आपको 6 जीएल की टीम बना के दिखा दूंगा। अभी यहां पर भी मैं टीम बना सकता हूं लेकिन उसके लिए आपका सारा टाइम मैं यहीं पर खपा दूंगा और 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम पर आना है और वहां पर मैं टीम बना दूंगा। और यहां पर भाई अभी मैं टीम बनाऊंगा उसमें हो सकता है एक या दो प्लेयर लाइनअप्स अनाउंस हो तो खेले भी ना, तो आपका एक तो टाइम वेस्ट, ऊपर से टीम भी आपकी वेस्ट हो जाएंगी अगर कोई दो एक या दो ऐसा कॉमन प्लेयर हुआ जो 6 की 6 टीम में और वो नहीं खेला। तो अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर देखते हैं। यहाँ पर रायगढ़ मराठा मार्वल्स नंबर 5 की पोजीशन पर है, 6 मैच में से 3 मैच जीतकर और 3 मैच हारकर। वही अगर बात करें भाई कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की, तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की अगर यहाँ से बात करोगे तो ये भी भाई 6 मैच में से 3 मैच जीतकर 3 मैच हारकर भाई बहुत ही शानदार तरीके से नंबर 4 पर बने हुए हैं। अब देखिए भाई यहाँ से दोनों टीम्स की तरफ से बहुत से अच्छे प्लेयर हैं। कौन कौन से अच्छे प्लेयर आपको पिक करने वो मैं आपको बता देता हूँ। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पहले स्टार्टिंग 7 चेक करते हैं, उसके बाद भाई टीम मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा बोल जाता हूं और आप भाई ऐसे हो कि आप अपने आप करते नहीं हो, तो वीडियो को यार लाइक करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। यार एक लाइक करने में कितना ही टाइम जाता है, बस वीडियो को अभी आप देख रहे हो ना, मेरी बातें सुनते सुनते लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए। यार वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई? मतलब क्या दुश्मनी है क्या मेरे से कोई? तो भाई कर दीजिए लाइक वीडियो को, है ना, मजा आता है यार। मतलब फील आती है काम करने में कि भाई लोगों का सपोर्ट है तो काम अब डबल धमाके से करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर स्टार्टिंग 7 की, तो सबसे पहले भाई एस शिवाजी पाटिल, डी शिवाजी पाटिल, एस तुकाराम पाटिल, ये 3 आपको बेहतरीन डिफेंडर इनकी टीम की तरफ से दिखेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो भाई सबसे बेस्ट अभी तक परफॉर्मेंस एस तुकाराम पाटिल की, फिर डी शिवाजी पाटिल की, फिर भाई यहाँ पर एस शिवाजी पाटिल की। लास्ट मैच विन करवाने वाला डी शिवाजी पाटिल हमारा वीसी था, वन साइडेड विनिंग करवा के गया। टीम जाकर देख सकते हो, अगर नहीं जीते हो ना तो भाई वापस आकर टेलीग्राम चैनल भी छोड़ दीजिएगा और साथ ही साथ यहां पर भी आप आके मेरे को जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अगर इस मैच में आप नहीं जीते हो, लास्ट मैच जो कल के दिन खेला गया था कोल्हापुर का, अगर उस मैच में आप नहीं जीते हो तो ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं भाई कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलता हूं ना तो आप मान लीजिए कि भाई वो काम हुआ है, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने वाला काम अपना होता नहीं है, लोगों की तरह फेक स्क्रीनशॉट अपन दिखाते नहीं है। तो यहां से अगर बात करें तो भाई एस तुकाराम पाटिल, यहां से इनकी अगर बात करें तो लास्ट मैच में भाई बंदा 4 टैकल 1 टच पॉइंट 1 बोनस पॉइंट निकाल कर आ रहा है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। इसके अलावा एस शिवाजी पाटिल की बात करेंगे, वहीं अगर बात करें इनकी भी तो 4 टैकल पॉइंट भाई ये भी निकाल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें भाई हमारे वीसी के डी शिवाजी पाटिल की, इन्होंने भाई यहाँ पर कमाल कर रखा है, 6 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाले, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। बात करेंगे यहाँ पर भाई वी सतापते की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने लास्ट मैच में भाई 1 टच पॉइंट 2 टैकल किया। अगर आप चाहो तो आप इस मैच में बैक कर सकते हो, अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सको तो भाई ड्रॉप भी कर सकते हो। किस कंडीशन में क्या होगा वो अभी आपको आगे मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बस आप एंड तक देखिएगा, आपको 90% बातें यहीं पर समझ में आ जाएंगी। बात करते भाई यहाँ पर रेडिंग में, एक प्लेयर यहाँ पर भाई आप 1 कैप फॉर्मूला के तहत जा सकते हो। पहले मैं 1 कैप फॉर्मूला बता देता हूँ। 1 कैप फॉर्मूला का मतलब होता है ग्रैंड लीग में आप 6 टीम 8 टीम 12 टीम जो भी बना रहे हो सभी में कैप्टन एक को रखो, बाकी सभी प्लेयर्स को वीसी रोटेट कर दो, तो आपका
कैप्टन अगर चल गया ना तो कोई भी प्लेयर चले, आपका वीसी भी चल जाएगा और भाई कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बैठा तो रैंक एक आ जाएगी, अदरवाइज भाई टॉप 100 में तो इजिली आ गए, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ से वो प्लेयर भाई तेजस मारुति पाटिल, भाई बंदा हर मैच में ही तो परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट मैच की अगर बात करें 25 टच पॉइंट 5 बोनस पॉइंट, भाई क्या ही कमाल कर रहा है भाई बंदा, हाईएस्ट रेडिंग पॉइंट है इसके इस पूरे सीजन में, बहुत ही शानदार प्लेयर, 100% टीम में रहेगा। ओ युवराज पाटिल की बात करें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ओ नारायण पाटिल की बात करेंगे भाई, ये हमारा डिफरेंशियल पिक था इस मैच का। डिफरेंशियल पिक का मतलब डिफरेंशियल पिक, यहां पर आप देखिए भाई 10 टच पॉइंट बंदा निकाल कर गया और कोई नहीं लेके आया था, आपका भाई बैक करके गया और वन साइडेड विनिंग करवाई आप लोगों को, है ना। अब अगर बात करें भाई यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर भाई वी सतापते की बात करें, मैं जीएल में इन्हें ट्राई करूंगा। तो अब चलिए सामने वाली टीम की तरफ देखते हैं, यहां पर ए नारायण मोरे भाई, यहां पर लास्ट मैच में हमारा थोड़ा सा ये मैच एवरेज गया था, रीजन है इसका, मैंने लोगों ने भाई ए नारायण मोरे को वीसी किया हुआ था और मैंने यहाँ पर वी पाटिल को कर दिया था। वी पाटिल भाई लास्ट मैच में फ्लोप रहे, अदरवाइज भाई यहाँ से ये मैच भी वन साइडेड जाता, फिर भी भाई एवरेज मैच रहा, कुछ लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई इस मैच में, तो भाई मैं इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और भाई आपके लिए दोनों ही डिफेंस में अच्छा खासा काम कर सकते, रेडिंग में पॉइंट ला सकते, लेकिन मेन काम डिफेंस का रहेगा। ए नारायण मोरे लास्ट मैच 3 टैकल। वहीं अगर बात करें भाई वी पाटिल, ये तो लास्ट मैच में तो कुछ किया नहीं, उससे पहले वाले मैच में 9 टैकल निकाले। बात कर लेते भाई यहाँ पर रेडिंग सॉरी डिफेंस सेक्शन की, तो यहाँ पर सानी भगत के रूप में आपको एक अच्छा डिफेंडर दिखेगा जिन्हें आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो, और चाहो तो अपनी टीम में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। जे गवांड, बहुत से लोग इनको ड्रॉप करके आएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इन्हें भी आप अपनी टीम में मस्ट ऑफ पिक के तौर पर ट्राई कर सकते हो। रेडिंग सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर भाई कोई अच्छा प्लेयर मेरे को नजर नहीं आ रहा। पी यादव भी भाई एवरेज सा ही खेल रहे, किसी एक मैच में खेल रहे, फिर 4 मैच फ्लोप जा रहे हैं, तो भाई क्या ही कर सकते। प्रशांत यादव सेम भाई, आर मचिंदर पाटिल कोई ऐसी खास इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है, तो यहाँ से अगर आप ट्राई कर रहे हो पी यादव को ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं, उससे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो मेरे फायदे की चीज है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को लाइक करने से, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना तो आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी मिलेगी और हो सकता है रैंक एक भी मिल जाए ग्रैंड लीग की। दूसरी बात भाई, स्मॉल लीग की टीम में कोई भी अपडेट रहेगा, कुछ भी चेंज रहेगा, तो टेलीग्राम पर पता लगेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है, अभी के अभी जाकर ज्वाइन करके। चलिए भाई यहां से बनाते हैं टीम, तो टीम आरुति पाटिल को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा भाई पी यादव को अपनी टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में ए नारायण मोरे वी पाटिल दोनों को अपनी टीम में रख रहा हूं। अगर आपको सेफ जनत भाई, यहां पर वी सत्तप्पा को आप ट्राई कर सकते हो। यहां से अगर बात करें तो भाई यहां से मैं अपनी टीम में किसे रख रहा हूं, मैं अपनी टीम में भाई यहां से रखने वाला हूं डी शिवाजी पाटिल को, और यहां से भाई अगर बात करें तो सॉरी एस शिवाजी पाटिल को, और यहां से अगर बात करें तो एस तुकाराम पाटिल को। डी शिवाजी पाटिल मेरी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे, अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप चाहो तो आसानी भगत को भी रख सकते हो, ठीक है। अगर जो टोटली आपका डिपेंड करे ना आपके ऊपर, उसी हिसाब से टीम बनाइएगा। यहां से अगर बात करें तो भाई मैं इन्हें ही अपनी टीम में लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी के लिए खैर मैं डी शिवाजी पाटिल की जगह आसानी भगत को ले रहा हूं, हो सकता है फाइनल टीम में कुछ डिसीजन चेंज हो जाए। लाइनअप साउंड आउट होने के बाद कौन सा प्लेयर खेलता है, कौन से साइड के रेडर खेलते हैं, कौन से साइड के डिफेंडर मेन फॉर्म वाले खेलते हैं, तो वो सारी चीजें डिपेंड करेंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यहां से अगर बात करें कैप्टनसी की, तो भाई टीम आरुति पाटिल को मैं अपनी टीम में कैप्टन लेके जा रहा हूँ। वहीं अगर बात करें वीसी की, तो भाई वीसी में फिर से विराज पाटिल को बैक कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी विराज पाटिल के साथ आ सकते हो, या फिर अगर आपको सारी दुनिया के साथ जाना है, बिल्कुल सेफ जाना है, तो भाई यहाँ से आपके लिए क्लियर ऑप्शन रहेगा ए नारायण पाटिल, आप इनके साथ जा सकते हो। बाकी भाई मेरी स्मॉल लीग की टीम ऑलमोस्ट फाइनल है, अगर कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं होता, तो भाई ऑलमोस्ट फाइनल है। लेकिन अगर टीम में कुछ भी मान लो बड़ा चेंजमेंट होता है, तो वो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर दूंगा। कोई स्टार्टिंग 7 में प्लेयर नहीं खेलता, या कोई प्लेयर अच्छा प्लेयर, हमारे सारे प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छा प्लेयर खेल जाता है स्टार्टिंग 7 में, तो किस कौन सा वीक प्लेयर है उसको निकाल कर भाई उसको ट्राई करना। ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, टीम आपने सेव कर ली होगी। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।